हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल बीएसएससी इंटर लेवल के अभ्यर्थियों द्वारा 23 सितंबर को महाछात्र आंदोलन होने जा रहा है। यह ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। जगह को चेंज कर दिया गया है, जिससे अब सभी छात्र भी स्वतंत्र रूप से अपनी बात आयोग के समक्ष रखेंगे। कल सभी बड़े मीडिया की नज़र 23 सितंबर के महाआंदोलन पर रहेगा। कल सभी बड़े मीडिया पटना के गर्दनी बाग पहुँचेंगे। कल इस महाछात्र आंदोलन की अगुवाई छात्र नेता दिलीप कुमार करेंगे। इसके लेकर सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। इन्होंने लिखा है कि अब इस मुद्दे को नेशनल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है, ताकि इस बहाली के लेट लतीफी के बारे में सभी नेशनल लोकल मीडिया नेताओं पार्टियों को अच्छे से पता चल पाए और इस नीति सरकार पर चौतरफा दबाव बने। जब तक नीति सरकार बीसीसी को इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए आदेश नहीं देती है, तब तक यह बहाली जल्द पूरी नहीं होगी। इस बहाली में देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार ही जिम्मेदार है। तो कल बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और सभी मीडिया भी आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बिहार के एक न्यूज चैनल सच तक से मैं संपर्क किया। सच तक जो बिहार के ज्वलित मुद्दा को उठाती है और कल जो पटना के गर्दनी बाग में बीएसएससी के छात्रों द्वारा जो महा आंदोलन होने जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग भी सच तक के चैनल द्वारा किया जाए और इस मुद्दे को नेशनल स्तर पर उठाया जाए। मैंने सच तक से संपर्क करते हुए लिखा कि आपको बिहार के एक वैकेंसी बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 से अवगत कराना चाहता हूं, जो पिछले 7 सालों से लंबित है। पिछले 7 सालों में भी इस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया है और जानबूझकर इस वैकेंसी को लेट कर रही है। इससे छात्र बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। छात्रों के द्वारा कल पटना के गर्दनी बाग में महाछात्र आंदोलन किया जाना तय है और आपसे विनम्र निवेदन है कि कल 23 सितंबर को छात्रों की मांग को अपने चैनल सच तक न्यूज़ से उठाएं और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा कराने के लिए सरकार से मांग करें। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि सच तक न्यूज़ के रिपोर्टर मनीष कश्यप जरूर कल पटना आएंगे, क्योंकि वह बिहार में ही हैं और कल वह दरभंगा में थे। उनके पास ये मैसेज पहुँचने के बाद वह जरूर कल पटना आएंगे, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी विल रिप्लाई बैक टू यू इन 10 मिनट्स, बट समटाइम्स इट टेक्स अस 24 आवर्स टू रिप्लाई। तो बहुत ही जल्द उनके पास ये मैसेज पहुँचने वाला है और मैसेज पहुँचने के बाद मुझे पूरी आशा है कि कल वह पटना के गर्दनी बाग में महा आंदोलन में शामिल होकर रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। धन्यवाद।